करनाल के लघु सचिवालय में एनएसयूआई के छात्र संगठन की ओर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जा रही ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मांग की गई कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार की परीक्षा ऑनलाइन ही करवाई जाए। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में छात्राएं व आईटीआई के छात्र भी मौजूद रहे। छात्र नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की मांगों पर गौर नहीं करता तो आने वाले समय में करनाल में सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते पहले परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही ली गई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की ओर से कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा करवाने की बात कही गई, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में विभिन्न कॉलेजों के छात्र संगठन ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एनएसयूआई के छात्र संगठन की ओर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जा रही ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं तो हमारे पीजी फर्स्ट सेम के ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन लगी हैं तो ऑनलाइन चाहिए हमें एग्जाम। तो क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं हमें एग्जाम ब्लेंडेड मोड में चाहिए, इसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज। तो कहाँ पे जाएंगे आज? आज अभी तक तो यही है, डिसिप्लिन के साथ करेंगे सब कुछ, कुछ भी दंगे के साथ तो हम करेंगे नहीं। कौन से कॉलेज पढ़ते हो आप? हम पंडित चरण जिलाल गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। अरे क्या मांग लेकर आए आप? सर जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो पेपर भी एक ऑनलाइन होने चाहिए, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम मतलब सारे रूल्स फॉलो करके एग्जाम दिलाते हो तो हम उस तरीके से करें। आज कहाँ जाएंगे आप? हम आज डिसिप्लिन से स्ट्राइक करेंगे जा रहे हैं। हमारी मुख्य रूप से मांग ये है, जो बीटेक और पीजी फर्स्ट ईयर के जो छात्रों की परीक्षा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड पर करवाने की तैयारी कर रहा है, इसको लेकर हमारी यही मुख्य रूप से मांग है कि देश भर में कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि इन पीजी फर्स्ट ईयर के छात्र और जो बीटेक के छात्र हैं उनकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ली जाए। आज हम डीसी साहब से शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और आपकी मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भी, कि अगर हमारी मांग जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो हम मजबूरन डीसी आवास का भी घेराव करने सीएम आवास का भी घेराव करने का काम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक